खबर फतेहपुर से है, जहां पर फतेहपुर में गंगा के तटवर्ती इलाकों पर कटान को रोकने के लिए गंगा टास्क फोर्स द्वारा बृहद रूप से बांस और खस का रोपण किया जा रहा है। गंगा टास्क फोर्स की एक टुकड़ी ग्रामीणों के बीच जाकर लोगों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जागरूक कर रही है। गंगा के तटवर्ती इलाकों पर हो रहे कटान को रोकने के लिए गंगा टास्क फोर्स लगातार कार्य कर रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दल बहादुर सिंह ने बताया कि हमारी यूनिट लगातार गंगा के तटवर्ती इलाकों पर खास बांस आदि रोपित कर रहे हैं, जिनके रोपण से गंगा में कटान कम होगा और तटवर्ती किसानों का इसका लाभ भी मिलेगा। हम और हमारी पूरी टीम लगातार लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते रहते हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं। हम लोगों से गंगा को स्वच्छ बनाने की अपील भी करते हैं। साथ ही हम लोगों से गंगा में दूषित जल, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पूजन सामग्री आदि को ना फेंकने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हमारी जनमानस से अपील है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं और उसका संरक्षण भी करें। इन प्रयासों से हम और हमारा पर्यावरण जरूर स्वच्छ होगा। वहीं स्थानीय किसान वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि हमारी खेती धीरे धीरे गंगा कटान में कटती जा रही है। अब गंगा टास्क फोर्स द्वारा कटरी के किनारे बांस, सागौन, खास के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे हमारी खेती की कटान भी कहीं न कहीं रुकेगी। तो गंगा में कटान में जा रहे थे तो इसमें हमने कई बार अपनी आवाज उठाई, तो आज हमारे खेतों में यहाँ पर गंगा टास्क फोर्स की तरफ से ये भारतीय सैनिक के जवान लोग आए हैं और यहाँ पर हमारे वृक्षारोपण कर रहे हैं, जैसे वेटियर घास लगा रहे हैं, वेटीवर घास और बम्बू बांस का पेड़ लगाया और आगे सागौन वगैरह के पेड़ लगाने का प्लान है। किनारे किनारे तटवर्ती क्षेत्रों में पेड़ लगा रहे हैं और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि कटान रुके, तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा, हम लोगों का बहुत सहयोग कर रहे हैं। यहाँ कैंप लगा करके बराबर हमारे क्षेत्र की जनता का सहयोग कर रहे हैं और किनारे किनारे पूरा जो निगरानी कर रहे हैं पेड़ की, पहले से इसके रेखी करते हैं, आके देखते हैं और जांच करते हैं, जहाँ पर पेड़ लगाना होता है वहाँ पे लगाते हैं। उसके अलावा साथ साथ में ये हम लोगों को बहुत कुछ बता रहे हैं गंगा प्रदूषण के बारे में भी, और कि यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह कोई चीज़ इस तरह की चीज़ ना आए, गंदी हो, वो गंगा जी के जल को प्रदूषित करेगा वो करे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हमारे यहाँ ये गंगा ट्रांसपोर्ट की तरफ से पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क लगाए जा रहे हैं और हम लोगों के लिए एक तरह ये वरदान साबित होगा। अगर हमारी ज़मीन टिक जाती है, कटने से बच जाती, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। दूसरी बात, जो पेड़ पौधे तैयार होंगे वो हमें निःशुल्क मिल रहे हैं और उनसे जो फल या जो भी बेनिफिट मिलेगा वो हमारा अपना व्यक्तिगत होगा। जैसे पेड़ पौधे लग रहे हैं तो पेड़ पौधे लगने से हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होगा, मानसून के लिए भी होगा। जैसे कि हमारे यहाँ अब ज़मीन पे है, पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है लेकिन बिना पेड़ पौधों के ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही, तो जो पेड़ लग रहे हैं उससे हमारा पर्यावरण संरक्षण होगा, हमको अच्छी हवा मिलेगी और हमारा मानसून भी अच्छा आएगा, हमारे खेतों में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो भी बढ़िया होगा। हमारे पास ये गंगा टास्क फोर्स है जो सर आए हैं डीवी दासनाथ जी, तो इन्होंने एक प्रेरणा दी कि सब लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यहाँ लोग पेड़ लगवाने से डर रहे थे तो हमने अपने खेतों में सबसे पहले दिया कि जितना भी लगाना हमारा खेत खाली पूरा पेड़ लगाइए। इसके बाद एक और नई प्रेरणा मिली कि किसी का जन्मदिन हो तो उस पर आप एक पेड़ अवश्य लगाएं। इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली और हमने प्रण कर लिया कि मैं प्रतिवर्ष नहीं ज़्यादा तो कम से कम 5 पेड़ फलदार अवश्य लगाएंगे और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएंगे, सब लोग पेड़ पौधे लगाएं और इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा और हमें फल फूल भी मिलेंगे और उससे हमारी ताज़ी हवा मिलेगी, मानव स्वास्थ्य के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। गंगा टास्क फोर्स मतलब ये इंडिया में पहली बटालियन है जो कि कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स है। इसका काम करने का अन्य अन्य तरीका है, एक ही प्लांट सिस्टम करके नहीं बैठती है ये जो है। उसके अलावा माँ गंगा का रक्षा करना, माँ गंगा में हो रही है विसंगतियों को दूर कराना, लोगों को जागरूक करना और साथ साथ में जो है यहाँ का जो जीव जंतु है, जो भी गंगा के संबंधित जंतु है उनको बचाए रखना, ये हमारा टास्क में आता है। हम लोग हमेशा जो है लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग के जरिए हो, चाहे वो जो है किसी अवेयरनेस के जरिए हो, अलग अलग टाइम में लोगों के साथ 24 घंटा जुड़े रहने का कोशिश करते हैं। हमें हम पिछला फरवरी 2023 को शायद मई आया था, इसमें जो है वो रिगी करने के लिए हमको यहाँ का नंबर मिला था, मैं आपके जरिए रिगी करने के बाद उस टाइम में भी मैं एक दो लोगों से संपर्क में था। उसके अलावा मैं प्रधान जी के संपर्क में था, प्रधान जी के साथ लगातार मैं संपर्क में रहा, आदमी लोग को जुटाओ, इकट्ठा कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ऐसा करके इससे एक महीना पहले आके हम लोग ने यहाँ जनता को इकट्ठा करके जो है अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा।
उस टाइम में हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने ये काम करने प्लांटेशन करने जा रहे हैं, हम बेटी बर लगाने जा रहे हैं, आप लोग हमको जो है 10 फीट जगह जो है अपना खेती में से देना पड़ेगा, जो कि वो जगह आपका ही होगा, हम लेके नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम जो आपका कटाव चल रहा है गंगा का किनारा काट रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग जो जितना हो सकता है हम लोग आपको मदद करेंगे, आप लोग इस प्रकार से आप जगह को जो है हमको दीजिए बोल के रिक्वेस्ट किया था। उस तहत जो है फिर बाद में प्रधान के साथ जो है हमने संपर्क में रहते रहा, प्रधान जी ने बुलाए, प्रधान जी ने बोला आइए, तो हम आगे जो है अभी पिछले 3 दिन से यहाँ बैठे। पहले तो लोगों को ये बताना चाहूँगा कि गंगा जी का जो जल होता है उसका महत्व तो उसी को मालूम है जो दूर दराज में बैठे हैं, जो 100 साल का माँ बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप बोल रहा है बेटा मरने से पहले मेरे को गंगा जी में जो है पहुँचा दो, दर्शन कराओ, ये सब बोलते हैं। वो उनको भी मालूम है जो दूर दराज में बैठे, जैसे मैं हूँ, मैं दूर से बिलोंग करता हूँ, मेरा मम्मी पापा क्या बोलते हैं वो मेरे को मालूम है, लेकिन जो यहाँ बैठ के रोज दिन रात इसी में स्विमिंग कर रहा है, पौड़ी खेल रहा है, गाय जंतु चढ़ा रहा है, इनको अपने आप को महसूस नहीं हो रहा है। तो इनको ये एहसास होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, गंगा जी का वैल्यू क्या है। अगर इनको पता हो जाता है गंगा जी का वैल्यू के बारे में, जो संसार मान के चल रही है, तो अपने आप अवेयर हो जाएंगे। लेकिन इतना है कि जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल होता है उसका वैल्यू कम होता है, ये सबको मालूम है, इसलिए यहाँ का लोगों को इतना वैल्यू के बारे में पता नहीं है। फतेहपुर से पंकज पटेल की खास रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।